बता दो कि पढ़ना कितना है, उसके बाद अगर कोई मुझसे आगे निकल जाए तो मेरा नाम बदल जाए। ऐसे बच्चे तैयार करते हैं सर, और हमारे बीच में है, हमारी खुशनसीबी है। सिविल जयपुर में और वर्तमान में आप राजस्थान सरकार में डायरेक्टर हैं सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार। तो हम झुंझुनू की धरा पे एक बार पुनः जोरदार तालियों से इस अवसर पर हमारे बीच में चीफ गेस्ट के रूप में आर एस चेनवाल सर भी साथ आए हैं। आप भी तेजस आईएएस से हैं और आप हिंदी के प्रख्यात विशेषज्ञ हैं, तो आपका भी हम स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा सुचित्रा जयश्री, सुनीता आप आए और हमारे गणमान्य अतिथियों का हमारी झुंझुनू की परंपरा के अनुसार स्वागत करें। प्रोग्राम का आगाज करेंगे, उससे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे मेहमानों से कि मां सरस्वती का माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो माननीय बीएल सर, श्यामजी सर, थैंक यू।
आप आए और माल्यार्पण द्वारा मेहमानों का स्वागत करें। अमित जी श्री हेमंत जी से कि आप भी माल्यार्पण द्वारा सर का अभिनंदन करें। रामचंद्र जी और हेमंत जी और इसी के अपने बुलाना चाहूंगा योगेश जी सर और संदीप जी आप भी माल्यार्पण द्वारा धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपकी वजह से हम आप जैसे महानुभावों के दर्शन कर पाए और आपसे आशीर्वाद लेके हम भी अपने सपनों को उड़ान देने की कोशिश करेंगे। मैं आप निवेदन करूंगा सर को साफा बधाई से स्वागत करेंगे। घनश्याम जी सर, भेड़ा जी सर, रतन जी सर, और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे संस्थान के फैकल्टी रजत चौधरी सर, ईश्वर जी सर, पंकज डूडी सर, केशव सर और धीरज सर को कि आप मोमेंटो प्रदान कर हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर देखा है। हम सब भी उस ख्वाब की तामीर में आपके साथ साना बसाना खड़े। बेड़ा सर, आपको बता दूं, बेड़ा सर जिनकी धमक झुंझुनू से सीकर और जयपुर और राजस्थान के हर कोने कोने में है, आज जब भी मैच का नाम आता है हर बच्चे की चुमा पे बेड़ा सर का नाम। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टीज को एक मंच पर लाकर
झुंझुनू की इस सरजमी पर हम सबके लिए वो काम किया है जिसके लिए हम सब आपके रेडी हो गए बेटा सर। बहुत कम समय में आधारशिला से झुंझुनू झुंझुनू की आन बान और शान बन गया। मैं याद आ रहा है मुझे इस बात पे कि भेड़ासर आपने जो ख्वाब देखा है उसके लिए सब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया फिर मुश्किल क्या और आसान क्या पछता लिया। तो आज हमारे बीच में बीएल भेड़ासर पधारे हैं, हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। मैं सब आपको बता दूं कि जब सर का नाम सुना था तो हमको सबको यह लगता था कि सर राजस्थान सरकार के टॉप लेवल के अधिकारी हैं, पता नहीं कैसा इनका नेचर होगा, कैसा इनका स्वभाव होगा। लेकिन आपने देखा होगा पिछले एक घंटे से जब हम ऑफिस में इनके साथ बैठे हैं तो हमें इनको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। इसकी वजह है कि सर के लाखों लाखों स्टूडेंट्स हैं, सर भी टीचर हैं। सर ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, हालांकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप ऑनलाइन भी आओ और हमारे बच्चों को भी आशीर्वाद दें तो शायद मानस बना लें। लेकिन अब तक सर ने ऑफलाइन भी पढ़ाया है और सर के पढ़ाए हुए हजारों हजार IAS और RAS प्रशासक आज पूरे देश में अलग अलग जगह पे लगे हुए। उसके लिए एक मशहूर कोट है सर का कि मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जो ये बोले, क्या बोले कि तुम मुझे किताब बता दो, एक स्टूडेंट की जुबान से तुम मुझे किताब बता दो और ये बता दो कि एग्जाम कब है और ये बता दो कि पढ़ना कितना है, उसके बाद अगर कोई मुझसे आगे निकल जाए तो मेरा नाम बदल ले। ऐसे बच्चे तैयार करने हैं सर और हमारे बीच में है, हमारे कुछ नसीबी है। थोड़ा सा मैं अंतराल दूंगा आपके और सर के बीच में। संस्थान में भेड़ा सर ने जो राजस्थान भर से चुन चुन के सितारे आधार क्लासेस में एकत्रित किए हैं, मैं चाहूंगा कि आज मैं कुछ पुराने बच्चे हैं वो तो जानते ही हैं लेकिन वो भी सबको नहीं जानते क्योंकि SSC सेगमेंट अलग है, शिक्षक भर्ती का सेगमेंट अलग है। तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट परिचय आपको दूंगा, समय की कमी है, हम अपनी फैकल्टीज के बारे में थोड़ा सा जाने कर ले ऐसा ओके। तो सबसे पहले तो देखो डॉक्टर सत्यवीर भेड़ा सर 20 वर्षों से मैथ्स का एग्जाम सर का स्टूडेंट है, ये इतनी बड़ी उपलब्धि। बिरले लोगों को ऐसे नहीं है, तो ऐसे हैं अपने घनश्याम सर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा अभी अभी झुंझुनू में जो पदस्थापित हुए हैं टॉप रैंक के साथ पॉलिटी में रजत चौधरी। देखिए मानिए जब मैं बिल्कुल में पढ़ाता था तो रजत सर भी अलग अलग स्कूल्स में पढ़ाते थे, बड़े बड़े नाम हैं SMS वेदांता जगू का, इसके अलावा आसपास दोसा उदयपुर राजसमंद कई जगह रजत सर ने पढ़ाया है। तो बच्चे कहते थे कि सर एक नए सर आए हैं जैन करने में, मेरे पास अनुभव है लगातार बच्चे थकते हैं मैं नहीं थकता हूँ। सिर्फ एक पानी की बोतल मुझे मिले और आराम से भूखा भी हूँ तो भी पता नहीं कौन सी ऐसी तृप्ति रहती है कि हम एक शक्ति मिलती रहती है कि बच्चों को पढ़ाना है। मेरा देखो मूल जो ब्लड में अपन बात करें कि अनुभव जो रहा है सोसाइटी से जुड़ने का वो एज ए शिक्षक भी रहा है और शिक्षा इस दृष्टि से बहुत ही बुनियादी है ताकि आप शिक्षित हो सकें। लेकिन शिक्षित होना और व्यवहारिक होने में बहुत अंतर है। कई बार अपन देखते सुनते हैं कि वो पढ़ने का कवार है,
मतलब पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, क्योंकि वो गवार है, हो सकता है कि वो व्यवहारिक ना हो, इसीलिए उसको ऐसा बोला जा रहा है। समय कम है, अब जिस दृष्टि से या जिस दृष्टिकोण के साथ मेरे को यहाँ आमंत्रित किया है, तो मैं तो बहुत उतावला रहता हूँ कि बिना कोई पृष्ठभूमि बांधे मैं मेरे विद्यार्थियों से बात करूँ, क्योंकि आप जिस उद्देश्य से आए हैं मैं उसी लक्ष्य के लिए हूँ, आप जिस उद्देश्य से आए हैं मैं उसी लक्ष्य के लिए हूँ। प्रश्न बहुत पूछता हूँ और अगली बार आऊँगा तो मैं कह दूँगा सत्यवीर जी से कि गैलरी बनाए, मुझे आप बच्चों के बीच चलना और पूछना अच्छा लगता है, माइक भी हो और ऐसा नहीं बिल्कुल जबरदस्ती राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित होकर और आपसे कह दूँ कि आप इसमें नमक दे गए कैसा लग रहा है आपको, ना ऐसा कुछ नहीं, आप शून्य हैं मेरा ऐसा मानना रहेगा, तब मैं 100% दे पाऊंगा और मेरे पास समय लिमिट पे बांधा हुआ नहीं है तो मैं 100% दे पाऊंगा। शायद इंसान हूं इसलिए शायद लगा दिया, 100% आप ग्रहण कर पाए या ना कर पाए, और मैं हो सकता है 100% न दे पाऊं। शायद जिस दृष्टि से ये सेमिनार का आयोजन है, जैसा कि सत्यवीर जी से मेरी वार्तालाप हुई, तो उनका मूल ध्येय यहाँ का शैक्षिक परिदृश्य को बड़ा ही लोकतांत्रिक बनाना रहा है, न कि ये करना कि एडमिशन हो गया, और इनकी इन्हीं बात से मोहित होकर मैंने इनका आमंत्रण स्वीकार किया कि सर मेरे को बच्चों की संख्या ये अधिक से अधिक भीड़ इकट्ठी हो और हम व्यापार कर सकें, ये दृष्टिकोण मैंने नहीं देखा। मैंने देखा कि हम अधिक से अधिक हम एक मंच पर आसपास के जो अभ्यर्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको हम एक ऐसा मंच दें कि वो सहज भाव से हमको अप्रोच कर सकें। अप्रोच हम कई बार ऐसा चाहते हैं कि हम चाहते हैं सिविल में जाना है तो एक माइंडसेट है, दिल भी कुछ करते हैं, विशेष रूप से सेंट्रल लेवल के जो आईएएस ऑफिसर की, या विशेष रूप से हम आईएएस एग्जाम नॉर्मल वे में बोलते हैं लेकिन हम उसको आईएएस एग्जाम बोलते ही नहीं है, ये सिविल सर्विसेज है, इट इज सिविल सर्विसेज, यू नो सिविल सेवा क्या होती है, काफी बातें होती है, बहुत प्रश्न पूछता हूँ मैं बहुत अधिक, इसलिए क्लास बहुत अधिक लंबी होती है। छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ मैं आपको, आज तो मार्गदर्शन भी नहीं हो पाएगा आपका प्रॉपर, ऐसा लग रहा है समय और मिल जाए तो आनंद आ जाए समय देने वाले, तो एक छोटा सा प्रश्न था, आप यदि कोई जवाब दे सके तो प्रयास करना, फिर हम बताएंगे, प्रश्न काफी है लेकिन एक नॉर्मल आदमी के लिए प्रश्न है। आप लोग जो परेशान हैं और जिस दृष्टि से यहाँ आए हैं, बिल्कुल पिन पॉइंट बात, सरकारी नौकरी लगे, क्या लगे, सरकारी नौकरी लगे, आपके माइंड में ये बात जरूर है कि रोजगार मिले, लेकिन आपके माइंड में ये बात है कि स्थायी रोजगार मिले। हमारे भारत में बेरोजगारी का वर्तमान प्रतिशत लगभग 6-7% के बीच है, ये सरकारी आंकड़ा है, अर्थात यदि 100 व्यक्ति भारत में उपलब्ध हैं रोजगार के लिए, वो सक्षम हैं, वो योग्य हैं, वो सामर्थ्य हैं, तो उन 100 में से 7 जने एंगेज हैं और वो रोजगार में लगे हुए हैं, बाकी रोजगार में नहीं लगे हुए हैं। इसको पलटते हैं, 100 में से 6 जनों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो
वो 94 सौ में से 94 अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो 100 में से 94 राउंड फिगर में 94, चलो 100 में से 94 लोग साधारण भाषा में बोले तो नौकरी कर रहे हैं, और 94 में से 6 घर बैठे हैं। जो बैठे हैं जो काम के तो हैं, एबिलिटी है, लेकिन उनको उपलब्धि नहीं है रोजगार की, या फिर वो अपनी इच्छा से बेरोजगार है। इच्छा से भी होते लोग कि मैं इच्छा से बेरोजगार हूँ, लेकिन वो जा नहीं रहा ना रोजगार में, वो बेरोजगार तो है। हम बहुत बड़ा मुद्दा संसद में है, या फिर जो भी हमारा लोक मंच होता है, संसद एक लोक मंच है, एक ऐसा मंच है जहाँ आप उपस्थित नहीं होते लेकिन आपके प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। सामान्य लोक मंच तो ये है, अभी आप खड़े होंगे अपनी समस्या मुझे बता देंगे, संसद ऐसा होगा तो आप वहां खड़े नहीं होंगे, आपके प्रतिनिधि मुझे समस्या बताएंगे, तो जो भी अधिकारी उसको बताएंगे। तो इसमें एक प्रश्न बनता है जो मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, इसमें बच्चे उपलब्ध हैं, बच्चों से पूछ रहा हूँ, लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर है, डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। सुनो ध्यान से, गोल नॉट गोल्स, गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर होता है, ये अंतर आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप ये सरकारी नौकरी के पीछे भागने, एवं आपको हो सकता है कई बच्चे कंफ्यूजन या कहें असमंजस की स्थिति में जी रहे हैं, और कुछ हो या अधिकांश के स्टेप ये है कि हम एक स्टेप पे तो लगे, हम थर्ड ग्रेड में लगे, सेकंड ग्रेड जाएंगे, हम टीचर बनेंगे तो हम कॉलेज प्रोफेसर के लिए प्रयास करेंगे, बीएड कर लिया तो हम नेट जेआरएफ के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज जाएंगे, और ये हम सेट हो गए, फिर हम आईएएस की तैयारी करेंगे, और फिर हम आईएएस की तैयारी करेंगे। मतलब उसके माइंड में कई ऑफिस ऐसे भी है कि नहीं सर, हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार, भले वो नहीं चाहते हैं लेकिन आप उनको भी जोड़ते हो, जॉब लगे हमारे, कैसे भी करके एक सरकारी नौकरी लगे, बच्चा कहीं भी अटके, चाहे फोर्थ क्लास में अटके। तो इसमें क्या है कि एक तो आपकी ये मेंटेलिटी, मैं थोड़ा और कम समय में क्लियर करूँ, और दूसरा जो आपको जहाँ भी मंच मिले और टीचर्स कम गुरु, और वो गुरु का मंच हो, और ये पूरा अपना कुल है, गुरुकुल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, गुरुकुल। और गुरुकुल का मीनिंग ये होता है कि आप उनके शिष्य हैं और आप अंग भक्त हैं उनके, क्या है, अंग भक्त। जैसे बोला कि ठाकुर जी का मैं अंग भक्त हूँ, तो जब ठाकुर जी के आप अंग भक्त हैं तो ये पक्की बात है कि वो जो गुरु जी हैं आपके ठाकुर जी, वो कभी गलत नहीं करेंगे आपके साथ, भले आपको लगेगा कि भगवान मेरे साथ गलत कर रहा है लेकिन वो गलत नहीं करेंगे, और आप बस अंधे होके उनकी भक्ति में संलग्न है। जैसे प्रत्येक बच्चे को अपनी माता पिता का अंग भक्त होना चाहिए। माता पिता दो प्रकार के हैं, शादी के बाद फिर जो माता पिता का स्थान लेते हैं वो सास ससुर लेते हैं, और मैं कई बार मेरे बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं ये भी बताता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्ल्स की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा है फीमेल्स की अपेक्षाकृत।